जो कौम क्रूर हिंसा सीख जाती है, 150 का झुंड बना करके 1, 2, 4 के ऊपर टूटना सीख जाती है, वो कौम फिर परदेशी हमलावर के सामने बहादुरी नहीं दिखा सकती, वो कमजोर हो जाती है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, उसका देश गुलाम बन जाया करता है। इसलिए इस बात पर आप सब लोगों को बहुत ताकत और बहुत धीरज के साथ सोच विचार करना, ये सही है कि हर एक को अपने समूह के साथ थोड़ा लगाव होता है, हर एक अपने टुकड़ी के साथ थोड़ा लगा हुआ रहता है, लगाव होता है, लेकिन वो लगाव अगर इतना ज्यादा हो जाए कि उस टुकड़ी के लगाव के लिए हम अपने राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर डालें, तब तो फिर हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी ना। हम में से न जाने कितनों से कब कौन सा कुकर्म हो जाया करता, लेकिन फिर आदमी ऊंचा उठता, मन को अगर पछतावा हो, अगर वो समझ जाए, सोच ले कि उससे बुरा काम हुआ, और बुरा काम हुआ सोचने के बाद वो अपने जीवन को और पद को बदल दे, दूसरी तरफ ले जाए, तब वो आदमी ऊंचा उठता है। बहुत आदमी जो ऊंचे उठते रहते हैं वो अपने किए हुए बुरे कामों पर पछतावा करने से ऊंचा उठते हैं।